रचना कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम में कभी हम आपके साथ मिलकर गजलें गुनगुनाते हैं, कभी गीतों की बात करते हैं और कभी कभी कविताएं लिखने वाले महान कवियों से मिलने उनके घर चले जाते हैं। तो आइए आज चलते हैं वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार विजेता आदरणीय डॉक्टर हर महेंद्र सिंह बेदी जी से मिलने गुरु की नगरी अमृतसर में उनके निवास स्थान पर। लेखक, आलोचक, शोधक, व्याख्याता, चिंतक, कुलाधिपति, कुशल कवि की प्रखर कलम में अद्भुत अनुपम गति, पंजाब के हिंदी साहित्य को दी विश्वव्यापी पहचान। डॉक्टर हर महेंद्र सिंह बेदी जी ने फतेह किए हैं गगनचुंबी सोपान। समकालीन हिंदी कविता के नामवर कवि तथा हिंदी साहित्य के समर्थ हस्ताक्षर डॉक्टर हर महेंद्र सिंह बेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 12 मार्च 1950 को पंजाब के होशियारपुर के मुकेरियां में जन्मे डॉक्टर बेदी ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से एमए हिंदी, एमए पंजाबी तथा हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पंजाब के सिरमौर लेखक तथा सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर बेदी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। आपने वर्ष 1978 में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार से डीलिट की उपाधि हासिल की और गुरुमुखी लिपि में रचित हिंदी साहित्य को खोजकर संकलित करने की दृष्टि से शोध कार्य प्रारंभ किया। 35 वर्षों तक गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के हिंदी विभाग में अध्यापन काल के दौरान आप विभागाध्यक्ष, डीन, कबीर विद्यापीठ के प्रभारी, सतगुरु राम सिंह चेयर के मुखी, स्वामी विवेकानंद केंद्र के संयोजक तथा प्रेस एवं प्रकाशन विभाग के चेयरमैन रह चुके हैं। आप 2012 से 2014 तक पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस रहे हैं। पिछले 4 दशकों से पंजाब की हिंदी कविता के चश्मदीद गवाह डॉक्टर बेदी की अब तक हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में लगभग 65 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 200 के करीब शोध पत्र विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छप चुके हैं। आप पंडित श्रद्धाराम फिलौरी ग्रंथावली के 3 खंडों के रचयिता हैं। आपने मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और 15 के करीब काव्य संग्रहों के माध्यम से मानव जीवन की गहरी संवेदनाओं को जन जन तक पहुंचाया। आपका सर्वोपरि उल्लेखनीय योगदान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन संदेश की व्याख्या को भारतीय परंपराओं के परिपेक्ष में पाठकों तक पहुंचाना है। आपने हिंद की चादर, श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के विद्या दरबार के कवियों की रचनाओं का संकलन संपादन किया और इसी कड़ी में गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध उत्तरी भारत के मध्यकालीन हिंदी साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भी आपको जाता है। आप भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिषद सदस्य हैं, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के सीनेट सदस्य, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के हिंदी सलाहकार हैं। अभूतपूर्व साहित्यिक सेवाओं के लिए वर्ष 2004 में आपको पंजाब सरकार द्वारा शिरोमणि हिंदी साहित्यकार पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको वर्ष 2017 में महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से हिंदी सेवी पुरस्कार हासिल हुआ। अभी हाल ही में आपको राष्ट्रपति जी द्वारा वर्ष 2022 के पद्मश्री सम्मान द्वारा नवाजा गया है।
डॉक्टर बेदी, बहुत स्वागत है रचना कार्यक्रम में आपका। आभार। तो आपसे मिलकर पहला प्रश्न, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सृजनात्मकता का बीजारोपण आपके हृदय में आखिर किससे प्रेरित होकर हुआ? पंकज जी, सृजन का बीज मुझे लगता है कि प्रभु कृपा से ही आरोपित होता है जी। पर जब हम होश संभालते हैं, दुनिया के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है, अध्ययन अध्यापन के साथ रिश्ता जुड़ता है, तो प्रेरणा के रूप में कई महान व्यक्तित्व, प्रेरणा देने वाले, घर का परिवेश बहुत सहायक होता है। मेरे पिताजी रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, उर्दू भाषा के बहुत बड़े दान करते, घर में गज़लें, नज़में, कविताएं ऊंची आवाज़ में हमें पढ़कर सुनाया करते थे। तो पहला प्रभाव मेरे ऊपर कविता लिखने का, कविता सुनाने का और कविता को समझने का, मुझे अपने पिताजी से यह प्रेरणा मिली और मैंने 8वीं कक्षा में ही कविताओं का सृजन करना शुरू किया और ये कविताएं बहुत सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित होनी शुरू हुई और मेरे लिए आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ। डॉक्टर बेदी, कविता के अतिरिक्त और कौन सी विधाएं हैं जिनके बारे में आप हमारे दर्शकों से बात करना चाहेंगे? मैंने जब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में 1972-73 की बात होगी जी, एमए करने के लिए आया, तो मेरे सामने हिंदी का एक बहुत बड़ा संसार था। मैंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में बड़े बड़े रचनाकारों के साथ मुझे मौका मिला काम करने का, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर धर्मपाल मैनी और डॉक्टर शतांशु जैसे विद्वानों के सानिध्य में आकर मैंने हिंदी अनुसंधान की ओर मेरी रुचि हुई और मैंने पंजाब के हिंदी साहित्य पर खुद भी काम किया और पंजाब के हिंदी साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने में मैं निरंतर काम करता रहा और उसका निष्कर्ष यह निकला कि कुछ वर्षों में ही पंजाब के हिंदी साहित्य के रचनाकार राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने और उनको ये स्वीकृति मिलनी शुरू हुई। आज के युवा वर्ग का हिंदी साहित्य के प्रति कैसा नज़रिया है? युवा पीढ़ी में हिंदी के प्रति बहुत अनुराग है, वे अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को वे पंजाब के हिंदी साहित्य के माध्यम से देखना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए के बड़े बड़े जो महाग्रंथ हैं वो पंजाब की भूमि पर लिखे गए, कवि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी पंजाब की भूमि पर दिया गया और पंजाबी का, हिंदी का जो पहला व्याकरण आचार्य है पाणिनि, वह भी पंजाब का रहने वाला था जी। तो आज आधुनिक युग में 60% लेखक जो हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं उनका सीधा संबंध पंजाब से है। इसलिए पंजाब की युवा पीढ़ी अगर हिंदी के साथ जुड़ती है तो वह राष्ट्र के साथ जुड़ती है, राष्ट्रभाषा के साथ जुड़ती है और हमारी राष्ट्रीय परंपराओं के आगे नतमस्तक होती है। आप संस्कृति, भाषा, धरोहर हर किसी से जुड़े हैं, तो ऐसे चुनौतीपूर्ण दायित्वों का वहन करते हुए परिवार से किस प्रकार जुड़े रहते हैं, कैसे संतुलन बिठाते हैं? पंकज जी, किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित तभी हो सकती है जब आपका परिवार आपके साथ चले। बिल्कुल। या दूसरे शब्दों में कहूँ, या व्यक्ति खुद परिवार के केंद्र में रहकर वे सारी गतिविधियों को चलाए जिनके कारण परिवार का विकास भी हो और व्यक्ति का विकास भी हो। जहाँ तक मेरी निजी ज़िंदगी का सवाल है, मेरे धर्मपत्नी डॉक्टर गुरनाम कौर बेदी
उन्होंने अकादमिक जगत में सर्वोच्च डिग्रियां प्राप्त की, पीएचडी, डीलिट, तीन विषयों में वे एमए हैं और सरकारी कॉलेज अमृतसर के प्रिंसिपल पद से रिटायर हुई है। जी। मैंने अपनी बच्ची की ओर, बेटे की ओर बहुत ध्यान दिया। बेटा आज पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मृगेंद्र सिंह बेदी बहुत बड़े पद पर आसीन है। बेटी पटियाला यूनिवर्सिटी में लेक्चरार है। क्या बात। मेरी पुत्रवधु कॉलेज में लेक्चरार है और दामाद पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में लेक्चरार है। तो ये सारे का सारा संतुलन, ये सारे का सारा विकास इसलिए संभव हुआ कि मैं और मेरा परिवार एक दूसरे के पूरक थे। डॉक्टर साहब अक्सर घर में कहा करते हैं कि व्यक्ति दो नहीं होते, कि बाहर कुछ और हो और घर में कुछ और हो। डॉक्टर साहब जैसे बाहर सीधे सरल और संत स्वभाव के हैं, वैसे ही उनका घर में भी ऐसा ही व्यवहार है, जिसके चलते हम सभी परिवार के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति की है। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल रही और इतनी किताबें और सभी कार्यक्षेत्र में, बाहर के कार्यक्षेत्र में उन्नत हो सकी, इसलिए कि डॉक्टर साहब मुझे घर में पूरा सहयोग देते रहते थे और मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करते थे। इस नाते डॉक्टर साहब मेरे पति ही नहीं, मेरे गुरु के समान भी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा ही नए से नया मार्गदर्शन दिया है। ऐसे ही वो बच्चों के साथ रहे हैं। आज बच्चे भी अपने अपने क्षेत्र में अगर कोई मुकाम बना पाए हैं तो डॉक्टर साहब के ही कारण हैं। आइए वार्ता को कुछ हल्का फुल्का रंग देते हैं और जानते हैं आपके जीवन के कुछ खट्टे मीठे पलों के बारे में। हिंदी साहित्य के प्रति जो मेरी अभिरुचि है, उसके कारण मुझे विदेशों में भी जाने का मौका मिला। मैं कनाडा में टोरंटो यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था। मैंने देखा कि मेरे लेक्चर को सुनने के लिए सबसे ज़्यादा चीनी बच्चियां बैठी हुई हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि चीन में जन्मी पली ये बच्चियां हिंदी के बारे में क्यों जानना चाहती हैं। जब उद्बोधन समाप्त हुआ तो चीनी बच्चियां मेरे पास आईं, तो मैंने उन्हें पूछा कि आप हिंदी के साथ क्यों जुड़ना चाहती हैं, और डेढ़ घंटे तक चुपचाप हिंदी में मेरे अभिभाषण को सुन रही हैं। तो एक लड़की ने हंसकर उत्तर दिया कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं जानना चाहता हूँ आप के इस अनुराग का कारण क्या है। तो एक चीनी बच्ची ने उत्तर दिया, मेरे दर्शक भी सुने, उसने कहा कि अगर हम हिंदी नहीं सीखेंगे तो आपके देश के साथ हमारा प्यार कैसे बढ़ेगा, और हम अपने देश की वस्तुओं को आपके देश में कैसे बेचेंगे। अब आप देखिए, हिंदी व्यापार की भाषा बन रही है। बिल्कुल। हिंदी विश्व में आदान प्रदान की भाषा बन रही है। और आज 70 करोड़ लोग दुनिया के या तो हिंदी जानते हैं, या हिंदी बोल लेते हैं, या हिंदी समझ लेते हैं, या हिंदी पढ़ लिख लेते हैं। चीनी भाषा के बाद अब विश्व में जिस भाषा के चरण आगे बढ़ रहे हैं वह हिंदी भाषा है। इसलिए मुझे हमेशा अपना ये अनुभव एक विशाल हिंदी के जगत से परिचित करवाता है, और मैं प्रायः अपने अभिभाषणों में
हिंदी की इस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का उल्लेख भी करता रहता हूँ और एक अनुभव मुझे कभी नहीं भूलता जी। ओबामा जी जब राष्ट्रपति बने अमेरिका के, बहुत बड़ा पत्रकार सम्मेलन हुआ। एक पत्रकार ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं। ओबामा जी ने उत्तर दिया, मैं महात्मा गांधी के साथ खाना खाना चाहता हूँ। लोग हंस पड़े, गांधी जी नहीं हैं पर ओबामा जी गांधी जी की नीतियों का अनुपालन करना चाहते थे। दूसरा सवाल बड़ा दिलचस्प था। एक पत्रकार ने पूछा कि इस उम्र में आप सीखना क्या चाहते हैं। ओबामा जी ने उत्तर दिया, इस उम्र में मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ। क्या बात है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का पहला नागरिक हिंदी सीखना चाहता है, अपने देश के रिश्तों को सुदृढ़ बनाना चाहता है भारत के साथ। इसलिए मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसे अनुभवों से गुजरकर मुझे लगता है कि इस 21वीं शताब्दी में हिंदी विश्व की भाषा भी बनेगी और विश्व की संपर्क भाषा भी बनेगी। प्रोफेसर बेदी जी दे नाल मेरा परिवारक रिश्ता 2012 विच जुड़िया। उस दिन तो लैके मैं लगातार डॉक्टर बेदी जी दी साहित अते अकादमिकता दे विच लगातार कार्यशीलता नूं देखदा हाँ। उन्होंने अपने जीवन विच लगातार जो उन्हां दी घालना है वह एक अद्भुत चीज़ है जो कि सानू लगातार मुतासर करती है। डॉक्टर बेदी जो कि इस जगत दियाँ वक् वक् तरह दियाँ पदार्थवादी आकर्षणों तो दूर रहिंदे हन, जिस तरह उन्हां दे अपने घर दे विच रहन दा सहज है वह एक आदर्शवादी सहज है, तो सानू उन्हां तों बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा है। जो असी उन्हां दे लगातार कविता अनुवाद ते उन्हां दी साहित सिरजना दा जो जे पल देखदे हाँ ते ओह एक किसी भी विद्यार्थी लई ते किसी भी खोजकर्ता लई बड़े उत्साहजनक हुंदे हन। हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे आपके मुखारविंद से आपकी मनपसंद कविता की कुछ पंक्तियाँ। कविता का शीर्षक है बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध आए या ना आए, सब्जी वाला रामू को कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध आए या ना आए, सब्जी वाला रामू जानता है इसी जन्म में आज के दिन अभी बेच देने हैं आलू टमाटर गोभी। वह जानता है आज ही बेच देने हैं आलू टमाटर गोभी, संध्या से पूर्व कर देनी है रेड़ी खाली और तराजू बिन तोल। संध्या से पूर्व कर देनी है रेड़ी खाली और तराजू बिन तोल, शून्य से शून्य तक की यात्रा उसके बोलों में है, लंबी होती आवाज़ में भी किस दिशा में बुद्ध तत्व अग्रसर होता है बिना जाने, वह खोज रहा है बोल रहा है डोल रहा है पल पल पल। संध्या ढलने से पहले ही बंद गली के आखिरी मकान में वृद्ध दंपति अंधेरा उतरने से पहले ही उसकी प्रतीक्षा में दरवाज़ा खोल बैठे हैं। रामू ने सारी सब्जी उनकी रुचि की उनको देनी है, चुपचाप मौन समाधि में उसे पता है महात्मा बुद्ध रोज़ ही मिलते हैं इस गली के मोड़ पर, खोल कर दरवाज़ा चुपचाप बैठे होते हैं। बुद्ध आए या ना आए, रामू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रामू ने तो सब्जी बेचनी है इसी जन्म में आज के दिन अभी बेच देनी है, संध्या से पूर्व कर देनी है तराजू खाली। मैंने जब से होश संभाला पिताजी को लिखने पढ़ने के कार्य में साहित्य सृजना में
संकलित पाया। चाहे इनके जो समकालीन साहित्यकार हैं या खोज विद्यार्थी हैं, इनके साथ बातचीत करते हुए मैंने बहुत प्रेरणा ग्रहण की और इस प्रेरणा को ही आगे लेके जाते हुए अपने जीवन में तरक्की हासिल की। पिताजी को जितने सम्मान मिले, चाहे पद्मश्री हो, राष्ट्रपति पुरस्कार हो, राज्य सरकारों द्वारा जो मिले सम्मान हो, इन सबसे हमारा भी मान बढ़ा और परिवार का मान अभिमान बढ़ा। मैं इस परिवार में जन्म लेने के लिए जहां खुद को खुशकिस्मत समझता हूं, वहीं वाहेगुरु का शुक्र अदा करना चाहता हूं। तो सर, सृजन की बात हुई, शिक्षण की बात हुई, लेखन की बात हुई, अब बात करते हैं कुछ ऐसे रोचक संस्मरण जानते हैं आपसे। मुझे नॉर्वे में मैं जब गया तो वहाँ एक जगह पे भाषण दिया तो लोगों ने कहा कि आप पंजाबी के अध्यापक हैं, तो मैं चुप रहा। एक दूसरी जगह पे गया तो वहाँ मैंने पंजाब के इतिहास पर बातचीत की तो लोगों ने कहा कि आप इतिहास के अध्यापक हैं। और तीसरी जगह पे जब मैं गया तो हिंदी में मैंने बातचीत की, लोगों ने कहा कि आप हिंदी के विद्वान हैं। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर हरमेंद्र सिंह बेदी हूँ। सर, बहुत कुछ जाना आपकी साहित्य रचना के बारे में, आपके शिक्षण, अध्यापन और विभिन्न गतिविधियों के बारे में। मैंने सुना है आप बहुत से मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कार्यालयों में, संस्थाओं में विभिन्न सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इन तमाम बातों के बारे में। ऐसा है कि हिंदी बहुत बड़ी देश की भाषा है जी, तो मैंने जब जब भी हिंदी में कुछ काम किया, हिंदी के विद्वानों से मिला जी, भारत सरकार के मंत्रालयों से मेरा संबंध हुआ जी, तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने प्रसार भारती और कृषक मंत्रालय और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे उपभोक्ता मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति में रखा। अभी मुझे खेल मंत्रालय और युवा मंत्रालय की हिंदी समिति का सदस्य बनाया गया है, क्योंकि अब भारत सरकार बिल्कुल ठीक चिंतन कर रही है कि युवाओं के अंदर हिंदी का अनुराग और हिंदी के प्रति किस तरह का उनके मन में संकल्प बोए जाएं, ताकि कल को हिंदी के साथ एक नई सिद्धि भी हमें प्राप्त हो। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो बातों और मुलाकातों में वक्त का पता ही नहीं चला और अलविदा कहने का वक्त आ गया। तो आपकी नज़र करती हुई ये पंक्तियाँ, सिंह हैं, सिरमौर हैं, कवि शूरवीर हैं, समस्त कलाओं के एक संस्था जैसे केंद्र हैं, जी हाँ, नमन है आपको। आप सरदार डॉक्टर हर महेंद्र हैं, आप डॉक्टर हर महेंद्र हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ पर, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।